हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं अभी ब्लॉग की एडिटिंग भी कर रही थी और इधर देखिए हमारे घर में बर्थडे बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, इट्स माय बर्थडे, विश मी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। थैंक यू। सो दिस बेस्ट फ्रेंड है ना। ओह माय गॉड, स्कूल जैसा हाल हो रहा है हमारे घर में। अभी आ चुकी है, जय को भी चॉकलेट मिल चुकी है बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे तुमने विश नहीं किया। थैंक यू जया, मेरा बर्थडे आने वाला है वैसे। उसके पहले हमारी एनिवर्सरी है। तुम्हारा बर्थडे है ना? मैंने ही दिया है, मेरी चॉकलेट क्यों देता? चॉकलेट ये इनके बर्थडे में मिला था पूरा भर के ना। और हमने इसको आज 2nd फेब है और हमने दस दिन के अंदर में इसको खलास कर दी। और इसमें सबसे बड़े साथी रहे हैं हमारे पापा जी। पंजीरी कर दूं क्या करता है? उसमें तुम दोनों शेयर कर लेना। और इसमें हम दोनों खत्म फिनिश। वो पापा जी खा लेंगे पंजीरी उसके। उनकी फेवरेट। पापा को ये जो लास्ट में वो बचता है ना, ऐसा क्रिस्पी वो बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है ये ढोकले का, जो ढोकले बनाते हैं उसका भी जो ये बचता है। हाँ, वो भी बहुत टेस्टी लगा करता है। ये देखिए गाइस, चेयर को मुंह में चॉकलेट भरा हुआ है, लेकिन चॉकलेट में पानी। मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद हुआ करता था ये, पर मेरी वाइफ मुझे भी नहीं अच्छा लगता। वाइफ एक ऐसी चीज होती है कि हस्बैंड कुछ नहीं भी करता होगा तो वो भी करने लग जाता है। मतलब जो चीज उसको नहीं भी पसंद रहती है वो भी पसंद। पॉजिटिव मैं इतनी क्लियर कर रहा हूँ कि जो चीज नहीं भी पसंद रहती है वो भी पसंद करने लग जाते हैं। देखा वाइफ का क्या बोले, खौफ खौफ क्या बोले खौफ नहीं लेने को। प्यार, वाइफ का प्यार ही ऐसा होता है। ऐसा करती थी जैसे तो कुछ देर तक तो उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था कि कुछ बोल दे। और जया को देखा था तो पिंक कलर की रोटी पहनी थी और ये जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था तब के बाल एकदम पिंक। जनवरी का ठंड का टाइम था, जनवरी मिले यही प्लेस था जब मैं वीडियो कॉलिंग में बात करती थी उनसे। ये इस तरीके से ये यही बात करती थी, मतलब ये मुझसे बात करती थी तो ये लोग आते थे। सबसे ज्यादा इसका था, सबसे ज्यादा मतलब नहीं आती तो नहीं थी, आती तो नहीं थी वो तो ठीक है, मतलब इसको 2-3 दिन लग जाते थे नॉर्मल होने में, लगता था कि क्या हो गया। आपके साथ भी की है इसने ऐसा? मेरे साथ जब मैं हॉस्टल से आती थी तब भी ऐसे ही करती थी। इसको कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब तो अब क्या करती है वो आपके साथ, गेट खोल के ही सर पे कूद जाती है। कैसे न यार, टाइम निकल जाते हैं। वो टाइम भी हमने काफी एंजॉय किया है। 7 साल हो रहे हैं। 16 में मैं पहली बार आया था। 16 में मैं पहली बार रीवा आया था। सोचो डेयरिंग, ऐसे लड़के होना चाहिए। सीधे घर आ गए कि पापा से मिल ली और शादी की बात कर ली। सीधे घर में आ जाए डायरेक्ट ऐसे। हाँ। शरीफ जिनके मन में चोर रहता है ना वो लोग बार ही बार हेलो हाय बाय बाय कर लेते हैं। मेरे जैसे शरीफ लोग रहते हैं वो घर तक आते हैं पापा जी से मिलने के लिए। तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने।
खैर अभी ये साल फर्स्ट टाइम होगा जब हम अपनी एनिवर्सरी में रीवा में रहेंगे। फर्स्ट टाइम में ही जयश्री का 12th है और उस टाइम होता है तो उसके एक दिन पहले से जयश्री के एग्जाम्स हैं। बताओ फर्स्ट टाइम 12th है तुम्हारा ना जयश्री? कहते हैं फर्स्ट टाइम ही होता है दीदी सबका 12th नहीं जैसे किसी किसी का हो जाता है सेकंड थर्ड टाइम। बोलो यार मेरा नहीं तुम्हारी नहीं बोल रहे हैं तुम्हारे नहीं बोल रहे ना। हम लोग अभी रेडी हैं अभी जाने के लिए कुछ खाने के क्योंकि शाम होते ही हमारे पेट में कुछ कुछ बाहर का खाने का मतलब वो होने लगता है। ये बहुत गंदी ग्रेविटी है हमारी लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना। और हमसे ज्यादा किसे जयश्री जो दो पर्सन उधर है ना मतलब पापा नहीं उधर तो पापा दिखे पापा नहीं जयश्री के भैया और जया ऑब्वियसली हम दोनों को थोड़ा सा ज्यादा है तो चलते हैं हम लोग निकलते हैं मम्मी भी आ जाए निकलते हैं। लोग ऑलरेडी जाके कार में बैठ चुके हैं इनको सबसे ज्यादा भूख आई है इन दोनों को सबसे ज्यादा भूख आई है कितने टाइम से हम लोग बैठे हैं इंतजार की हाय ना कुछ खबर मेरे यार की आ गई पूरी खबर मेरे यार पूरी खबर आ गई चलो 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 देखो पानी पूरी का जब मैं मतलब नाम ले लेता हूँ ना उसके बाद मुझसे कंट्रोल देखा गाइस मैंने बोला था ना चलिए आई एम डाई हार्ड पानी पूरी लवर। तो गाइस हम यहाँ पानीपुरी खाने आए थे इन्हें बहुत अच्छी लगी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आपको अच्छी लगी? मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। ओह माय गॉड हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसका किसका क्या क्या वोट है किसको अच्छी लगी नहीं अच्छी मेरा था किसी को भी अच्छी नहीं लगी खाए और उसके बाद आपने सूखी पूरी सूखी भी बुलवाई थी ना हाँ पर वो आलू नहीं थे इसलिए कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं हम आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं अब कहीं नहीं जाते हैं अब जाते हैं बादाम शेक टाइम पर लौटते टाइम बड़ा पाव आर बैक वी आर बैक कौन कौन कल भी आए थे हम बादाम शेक हम कल भी आए थे और सभी लोग किएंगे जया को बस मोमोज खाना है जया नहीं पिएगी ना मोमोज जैसे बन के आई है आज वाइट वाइट बन के खुद ही मोमोज है क्या मोमोज खाएगी आज मोमोज बन के आ जाओ भाई और मैडम क्या हाल चाल देख रहे हैं बिल्कुल आप बैठे ऐसे हैं एकदम हीरो स्टाइल जल्दी लाइए बोल रही है जी मैम मैम और कुछ लेंगे मैम हमारे यहाँ का स्पेशल है पेमेंट प्लीज नो पेमेंट नो पेमेंट नाम क्या नाम है मैम आपका जयश्री तुम एकदम कलरफुल दिख रही हो पता है ठंडी में आइसक्रीम खाने का मजा ही क्या जया ठंडी में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ वो तो है यार तभी तो आई लीजिए मैडम बाहर निकलना होगा तो हो निकलना आना क्या क्या बोल रहे भैया आपको ठंडी नहीं लग रही क्या वही बोल रहे लीजिए मैम थैंक यू सो मच थैंक यू हमारा बादाम शेक आ चुका है बहुत यम्मी चलो चीयर्स फिनिश हो चुका है गाइस लेकिन ये दो लोगों का ना सेकंड टाइम चल रहा है यार चल ही नहीं रहा सेकंड टाइम चल रहा है सेकंड टाइम चल रहा ना जया है ना हाँ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं बादाम शेक में देखते हैं कौन जीतता है रुतबा ही है वो चले हो गया और भी आना क्या ये
राम। हम लोग तो किसी ने पूछा नहीं कि आप पियोगे क्या यार, कितना ठंडी है। और पियेंगे तीसरे ग्लास भी? तीसरी नहीं, अभी एक ही तो पिए है यार। गजब है यार, मुझे तो आज छोटी वाली पी। मैं तो कभी मना नहीं कर सकता इसके लिए। मजा आ गया, मजा तो इसके लिए। तो मैं इसके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक तक छोड़ सकता हूँ। गए हैं अभी बड़ा बाउल लेने, अभी बन रहा है गर्मा गर्म बड़ा। पहली बार बड़ा पाव खाओगे? बड़े पाव के इंतजार में कहाँ गई, कहाँ गई? इंतजार हो रहा है बड़े पाव का। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सब वेट तो गाइस बड़ा पाव आ चुका है। किसका है जी आपको इंतजार? किसका है ये तुमको इंतजार में? हम लोग आगे चुके हैं गाइस, कुछ कुछ खाके, बहुत कुछ खाके, कुछ कुछ खाके नहीं, पेट भर चुका है। और जिस टाइम पे गए थे वो टाइमिंग ही होती है, मतलब भूख वाली। शाम को मजा करके आए, पार्टी करके आए, फुल्ली पार्टी। सच में मजा आ गई है ना। घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। लिपस्टिक लग गया धोखे से, धोखे से नहीं, इन्होंने सबूत दिया है ताकि कोई और लड़की मेरे ऊपर आंख उठाकर भी ना देख सके। इतनी किसी में जरूरत हिम्मत नहीं है। नहीं, प्रूफ है मेरे पास कि आई एम मैरिड। देखा, मैरिड लोगों का भी सबूत होता है। ओ गॉड। हाँ तो गाइस इस ब्लॉग को रखते हैं हम बस यहीं तक, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ कल फिर मॉर्निंग में 10 बजे। सो अब आपको वेट नहीं रहेगा, डेली व्लॉग मिलेंगे। तो yes. बस जाइए, व्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड रील्स भी जरूर एंजॉय करते रहिए। एंड हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ गिव अवे भी चल रहा है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। yes. उसके लिए सारी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टा पेज से मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कीजिए एंड आग लगा दीजिए। ओके ओके, बाय बाय।